वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएम रुगेश मदलानी। वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज के सेगमेंट को कंटिन्यू करते हुए आज लाए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए। इस स्टोरी का नाम है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। रियल लाइफ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ये स्टोरी के जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर है, उनका नाम है मिस्टर डर्बी। मिस्टर डर्बी अपने आप में एक वेरी सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट है, उनकी ये कहानी। बट वो कैसे पहुंचे उस शिखर तक, इतने टॉप तक, उसके बारे में आपको बहुत कुछ आज सीखने मिलेगा। दोस्तों, मिस्टर डर्बी के एक अंकल हुआ करते थे। उसके अंकल को गोल्ड माइनिंग का बहुत शौक था, यानी जमीन में खोद के सोना निकालने। तो उसने मिस्टर डर्बी के साथ ये आइडिया को शेयर किया कि मुझे ऐसा शौक है, क्या ये करना उचित रहेगा। बोले आप कीजिए, कोई बात नहीं, आपको पसंद आए तो। पर बोले मुझे उसमें थोड़ा सपोर्ट लगेगा। मिस्टर डर्बी, क्या आप सपोर्ट करेंगे जब मुझे जरूरत हो तो मिस्टर डर्बी ने बोला देखते हैं, पहले तुम ट्राई तो करो। और उसके अंकल पहुंच गए वो जगह पे जिन पे उनको लग रहा था कि इधर खुदाई से या अगर हमने डिगिंग किया तो इधर सोना हमें जरूर मिल सकता है। और उन्होंने खोदना चालू किया एंड टू हिज सरप्राइज कुछ ही महीनों के अंदर शाइनिंग आयरन ऑर मिल गया। यू गाइस नो व्हाट इज शाइनिंग आयरन ऑर? ये एक सिग्नल होता है कि सोना इधर ही है, सोना मिलने के चांसेस अब काफी ज्यादा है। और शाइनिंग आयरन ऑर देखते ही मिस्टर डर्बी के जो अंकल थे उनको बहुत इंस्पिरेशन मिल गया। उनको लगा अब तो सोना उनको मिल ही जाएगा। वो मिस्टर डर्बी के पास वापस गए। मुझे शाइनिंग आयरन ऑर मिल चुका है, बट अगर मुझे और खोदना है और डिगिंग करना है तो मुझे हैवी मशीनरी का सहयोग लगेगा। आई नीड हैवी मशीनरी ताकि मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा आगे लेके जा सकूं। मिस्टर डर्बी बोलते तो मैं क्या करूं? बोले आपसे थोड़े पैसे की सहायता लेंगे, प्लीज आप मुझे थोड़े पैसे दीजिए ताकि मैं इस प्रोजेक्ट को आगे ले। मिस्टर डर्बी ने बोला अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो मुझे भी गोल्ड का कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए। अगर गोल्ड निकला तो मुझे डैश परसेंटेज। और उनका म्यूचुअल अग्रीमेंट हो गया। इन्होंने पैसे दिए, उन्होंने हैवी मशीनरी को ले लिया और गोल्ड डिगिंग का बड़े पैमाने पे चालू कर दिया। ओके, ही स्टार्टेड खुदाई इतनी की ताकि गोल्ड मिले। दिन निकलते गए, हफ्ते निकलते गए, महीने निकलते गए और कुछ साल भी चले गए, बट अब तो आयरन और भी नहीं मिल रहा था। गोल्ड छोड़ो, जो शाइनिंग आयरन और होता है ना, गोल्ड की निशानी, वो भी नहीं मिल रही थी। और हाईली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके उसने मिस्टर डर्बी को कॉल किया। मिस्टर डर्बी बोले अब तो क्या कर सकते हैं? बोले एक काम करो, तुम्हें अगर दिल नहीं लग रहा तो फिर छोड़ दो इसको, पर जो मशीनरी है उसको तो बेच दो ताकि जितना इन्वेस्टमेंट रिकवर हो सके उतना तो अच्छा। तो वो एक कबाड़ी वाले के पास गए और वो जो मशीन ली थी गोल्ड डिगिंग के लिए उसको बेच दिया। कबाड़ी ने पूछा आपने ये काम कंटिन्यू क्यों नहीं किया? बोले हमें शाइनिंग आयरन ऑर भी मिला था, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आई थिंक हम गलत जगह पे ट्राई कर रहे हैं, उधर कुछ है ही नहीं और इसीलिए मुझे बेचना पड़ा। कबाड़ी वाला कोई आलतू फालतू नहीं था, जो वेस्ट या स्क्रैप वाला था ना वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान था। उसने गोल्ड माइनिंग एक्सपर्ट जो होता है, इंजीनियर, गोल्ड माइनिंग इंजीनियर के जो एक्सपर्ट होता है ना, उसको अपॉइंट किया और उसको वो जगह पे लेके गए। बोले ये मिस्टर डर्बी और उसके अंकल ने ऐसा गोल्ड का ये सब किया था और वो बोल रहे थे उनको शाइनिंग आयरन और भी मिला था, क्या तुम चेक कर सकते हो जेन्युइनली इस जगह पे गोल्ड है? उसने थोड़ा एनालिसिस किया और आप शॉक हो जाओगे क्या बोला, वो लोग एकदम सही जगह पे खुदाई कर रहे थे। खाली 3 फीट के बाद जबरदस्त गोल्ड है, इतना गोल्ड जो आपको मिलियन डॉलर्स दे सकता है। वो स्क्रैप वाला शॉक हो गया, टूट पड़ो। उसने वही मशीन से और खुदाई चालू की और आप शॉक हो जाओगे, खाली 3 फीट, दोस्तों बहुत कम डिस्टेंस है, ओनली 3 फीट बाद उसको इतना गोल्ड मिला कि आप सोच नहीं सकते, और मिलियन डॉलर्स कमाए उस कबाड़ी ने। पर इससे मिस्टर डर्बी को अपने जीवन की बहुत 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 बड़ी सीख कि जीवन में कभी भी क्विट मत करो। आपको नहीं पता आपकी मंजिल किधर है, 3 फीट के बाद उतनी बड़ी सक्सेस मिल सकती है जितना आपने सपने में सोचा नहीं होगा। इसने, मिस्टर डर्बी ने इस प्रिंसिपल को अपने इंश्योरेंस बिजनेस में अपनाई। वो इंश्योरेंस एजेंट थे, पहले वो एक बार कस्टमर ना बोल देना तो भूल जाते थे, बोले ये कस्टमर अब अपना नहीं। उसके बाद उसने डिसाइड किया, नई टूल्स, नई टेक्निक, नई मेथड्स अडॉप्ट की
जब तक कस्टमर न माने हम उसको कन्विंस करते ही रहेंगे, दुनिया में कुछ भी हो जाए कस्टमर पॉलिसी मुझसे ही लेना चाहिए। और इससे उनको जो सीख मिली उस सीख से उन्होंने इतने पैसे कमाए और एक बहुत सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट, जो शायद गोल्ड मिलता ना वो भी उतने पैसे नहीं मिलते जितने वो इंश्योरेंस एजेंट की कैपेबिलिटी में कमा रहे। दोस्तों आपको क्या सीखा? दुनिया के अंदर आप कोई भी नया काम करो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी, बहुत सारी आलोचना होगी, बहुत लोग गलत बोलेंगे, आप 100% फेल होंगे, 100% बोल रहा हूं, बट कोई टेंशन नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर आप छोड़ो नहीं वो चीज, अपना ब्लड स्वेट हर चीज लगा दो उस चीज के अंदर 100% सक्सेस मिलेगी। कभी कभी आपको स्टूडेंट्स अक्सर एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट तीन अटेम्प्ट फेल होने के बाद छोड़ देते हैं, अरे आपको क्या पता कितना क्लोज हो, एक चीज चाहिए उसके बाद अगर आप सीए बन गए या आपने कोई भी डिग्री ले ली स्काई इज द लिमिट। कभी कभी आपको खुद को नहीं पता आप उस इंसान मिस्टर डर्बी के अंकल की तरह गलती भी कर ली। कभी कभी आप 3 फीट के बाद ही जीवन का सबसे बड़ा माइलस्टोन आपके लिए सोचिएगा। जीवन के अंदर नेवर क्विट इज द ओनली मंत्र, मेहनत करते रहो झक मार के सक्सेस आएगी, ये मेरी बात। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सबके साथ शेयर जरूर करना, लाइक करो ताकि हमारा प्रोत्साहन इसी तरीके से बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस। चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज हम खाली पॉजिटिव बातें करते हैं इस यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। Thank you.